तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा, तो आप देखिए गौर से और मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन को। जी ओके, तो कैन यू सी माय स्क्रीन? हेलो एवरीबॉडी। यस सर, यस सर, अच्छा, जी सर, इस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि 3x3 का एक सिस्टम है और उसको गॉसियन एलिमिनेशन के जरिए सॉल्व किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में जरा जल्दी जल्दी आपको मूवमेंट कर लूंगा। आप अगर चाहें तो इसको आराम से देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको पॉइंटर दे रहा हूं कि अगर आपने मजीद सीखना है या प्रैक्टिस करनी है तो इसमें देखें, ये पहले से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेता है और उसके साथ एक्स है और फिर इक्वल टू बी है। तो ये बड़ी फेमिलियर अब आपके लिए हो जानी चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स की इक्वेशन के ए टाइम एक्स इक्वल टू बी। ये सारा कोर्स ही बेसिकली ए एक्स इक्वल टू बी के सॉल्व करने के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जाके जी देख सर, सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप हमेशा अगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। देखे ना, इसने बनाया है, ये अगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है कि ये ए है और ये बी उठा के उसने एक्स को गायब कर दिया है, बी उठा के साथ लगा लिए। अब जरा एहतियात करनी चाहिए थी इसको कि यहाँ पे डॉटेड लगा देता तो बेहतर रहता, जिस तरह मार्टिना ने किया था। तो यहाँ डॉटेड अगर लग जाता तो फिर ये क्लियर हो जाता कि ये जो चीज है, ये जब लास्ट कॉलम है, ये बी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एनीवे, तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये बी कॉलम है, लास्ट कॉलम। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसके बाद ये इसके ऊपर कुछ रो ऑपरेशन करेगा और उसने रो ऑपरेशन किए कुछ और ये मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज होना शुरू हो गया। तो आप जब इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी मिल जाएगी। बस एक चीज जो मेरे बताने की है कि अगर आप इस पे गौर करें, जो जो लास्ट में रिजल्ट आया है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक ट्रायंगल बन रही है। देख रहे हैं आप लोग, एक ट्रायंगल बन रही है। एवरीबॉडी विद मी? यस हाँ, सर, यस तो बेसिकली आप जब भी किसी जगह गॉसियन एलिमिनेशन लगाती हैं ए मैट्रिक्स के ऊपर, मैं अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये लास्ट कॉलम को छोड़ दें, अगर आप इसको सिर्फ ए को देखें तो आप देखेंगे कि शुरू में ए के अंदर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, लेकिन जब आपने गॉसियन एलिमिनेशन कंप्लीट की तो पता चला कि इसमें ट्रायंगल बन गई है ए के अंदर। ए वाली जो जगह थी ना, उसमें ट्रायंगल बन गए, नीचे जीरोस आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो ए मैट्रिक्स है अब ये बन गया है यू मैट्रिक्स। अब यू मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये खास नाम है उन मैट्रिसेस का जिसमें ट्रायंगल बन जाती है, उस ट्रायंगल से नीचे के लोग सारे जीरो होते हैं, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब क्या बन गया, आपका ए कन्वर्ट हो गया है इनटू यू, एक सिंबल है यू, तो ये बेसिकली यू में चला गया है। तो जो गॉसियन एलिमिनेशन होती है उसकी अटेम्प्ट होती है कि वो ए को यू बना दे। तो आप जब ए को यू बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए। अच्छा, अब एक और चीज भी गौर करने वाली है, वो ये है कि इसका -3 का जगह जो है यहाँ भी पिवट मौजूद है, -2 भी पिवट मौजूद है और इधर नीचे भी -2 है। इसका मतलब सारे पिवट मौजूद हैं, तीन इक्वेशनें हैं, तीनों पिवट हैं, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम को जब आप सॉल्व करें तो उसमें तीनों के तीनों पिवट्स मौजूद हो सकता है कि सिर्फ दो ही पिवट हो, एक्सट्रीम केसेस में एक पिवट हो। तो ये सारी सिचुएशनें आपको जहन में रखनी चाहिए, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि जब तीनों पिवट मौजूद होते हैं तो इसका मतलब है कि वो यूनिक सोल्यूशन वाली कैटेगरी है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी लुक इनटू, अब देखा ना, उसके बाद जैसे ही वो यू बन गया, ए से यू बन गया, अब वो कहाँ जाएगा? बैक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। ये देखिए आप, बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ये थर्ड रो से स्टार्ट करेगा। ये देखें, -2 times x3 = 2। अब ये देखें, ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स था उसने पूरे के पूरे मैट्रिक्स को इक्वेशन में लिख लिया। ये देखें, ये आप बड़े गौर से देख सकते हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन ये इस मैट्रिक्स से उसने दोबारा लिख ली, क्योंकि इक्वेशन से आप इस मैट्रिक्स में भी जा सकते हैं और इस मैट्रिक्स से दोबारा इक्वेशन में भी जा सकते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो उसने अब वैल्यूज निकालना शुरू कर दी, लास्ट रो से वैल्यू क्या निकली? x3 = -1 और x2 आपके पास आ गया 2, x1 आ गया आपके पास। अब देखिए सारी वैल्यूज आ गई, x3 की वैल्यू -1 आ गई, x2 की वैल्यू 2 बन गई, x1 की वैल्यूज 2 आ गई। अब ये आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन है। अगर आप एहतियात करना चाहते हैं और वैलिडेट करना चाहते हैं, अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि यही तीनों नंबर्स उठाएं
और अपनी इक्वेशन में डालें तो इधर भी 6 आएगा, 6 सॉरी माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। यही तीनों नंबर उठाएं, x3 माइनस 1, x2 2 और x1 2, ये अगर आप प्लग इन करेंगे इस दूसरी इक्वेशन में तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी माइनस 7 आएगा और राइट पे भी माइनस 7 आएगा। और इसी तरह इसी को उठा के अगर आप पहली रो में डालेंगे तो ये पहली रो को भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इस तरह ये तीनों की तीनों इक्वेशनें इस एक सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये किसी एक इक्वेशन का नहीं है, ये पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन है। एवरीबॉडी विद मी? यस सर जी। यस सर। तो ये 2, 2, -1 ये अननोन आपके पास आ गए, तो आई होप कि अब आपको गॉसियन एलिमिनेशन की तो अच्छी समझ आ गई होगी कि ये कैसे करते हैं और क्या है। इन दोनों वीडियोस को आराम से आप यूट्यूब से देख सकते हैं और इनको पास करके आप आराम से देखिए ताकि आपको समझ आ जाए एक एक स्टेप की। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दोनों वीडियोस में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझा सकूं। अच्छा, अब हम चलते हैं वो उस भाईजान के क्वेश्चन के बारे में कि हमने इस पे जो रो ऑपरेशन किए इससे तो हमने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है, वो सिस्टम रहा ही नहीं है, ठीक है। तो आखिरकार ये इक्वल कब होंगे? तो आपको याद रखना चाहिए कि ये हम एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम मैट्रिसेस की जबान में बात करेंगे, तो मैट्रिसेस की एक लैंग्वेज है। तो जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन के अंदर तो उस ऑपरेशन को भी हम मैट्रिक्स की सूरत में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं R2 - 3R1 तो ये आपने जो लिखा है अगर आप चाहें तो इसका एक मैट्रिक्स बन सकता है, और ये मैट्रिक्स जब किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी क्या कर देगा, उसकी रो 3 से 2 टाइम्स रो 1 को माइनस कर देगा। तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही ऑटोमेटिकली उस पे वो ऑपरेशन कर देगा जो आप बगैर मैट्रिक्स के R3 - 2R1 करने से कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूं? तो ये ऑपरेशन अगर आप चाहें तो एक मैट्रिक्स की जबान में भी लिख सकते हैं। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, समझ आया आपको जो मैंने बात की? हेलो एवरीबॉडी, हेलो जी सर। तो अब हम चाहते हैं एक और लेक्चर की तरफ से जो YouTube पे अवेलेबल है वो गिल्बर्ट स्ट्रैंग का लेक्चर है इसी गॉसियन एलिमिनेशन के ऊपर, और उसको देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि उसने कैसे इन ऑपरेशंस को बेसिकली मैट्रिक्स की जबान में लिखा। तो इसमें शुरू का तो वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि एलिमिनेशन कैसे काम करती है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो शुरू में वो यही बताएगा, लेकिन कुछ देर आगे जाके देयर इज ए चांस कि वो ये बताने की कोशिश करेगा कि ऑपरेशंस जो किए जाते हैं उनको मैट्रिक्स की जबान में कैसे लिखा जाता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू कम, तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ फॉरवर्ड। अच्छा, तो अभी आप इस जगह रुक के जरा थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ आप जरा गौर से देख सकते हैं, आपको ये नजर आ रहा है, ये वीडियो नजर आ रहा है गिल्बर्ट स्ट्रैंग का? एवरीबॉडी, तो अगर आप देखें यहाँ पे एक आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया गया है 3, 4, 5, ये देख रहे हैं एक मैट्रिक्स है, उसके बाद इसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स के बाद है, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, किसको बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम आमतौर पे अपनी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो ये बेसिकली आपकी प्री मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है। तो अब जरा गौर से देखिए कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको इसका मतलब आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3 जो है ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो 3 है ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा,
ये वाला 3. Everybody with me? जी सर. इसका मतलब है कि और इसके बाद ये जो 4 है ना, ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा. ये देख रहे हैं 4 टाइम्स कॉलम 2. और ये 5 जो है ये तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स कॉलम 3. और इसके बाद ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये देख रहे हैं प्लस प्लस. तो इससे जो जवाब आएगा वही जवाब इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आएगा. अब आप समझ, आपको समझ आ रही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टाइम मैं आपको जरा डिफरेंट अंदाज से दिखा रहा हूं. इसका मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे एलिमेंट को पूरे कॉलम, और उसके बाद इन तीनों की तीनों को ऐड कर दो. तो आपके पास जो जवाब आएगा वो इस मैट्रिक्स के इस वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन का जवाब होगा. यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ आपको? जी सर. ये समझ आया, ये पॉइंट समझ में आया कि इसने मैट्रिक्स को एक वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट अंदाज से किया, इसको एक मुख्तलिफ अंदाज से किया. देख रहे हो इस अंदाज को, देख रहे हो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया है, देखा? अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक रो हो और वो रो पहले आ जाए किसी किसी मैट्रिक्स से, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स के साथ तो क्या होगा? अब जरा फर्क देखिए ना, यहाँ पे ये मैट्रिक्स था, उसके बाद एक कॉलम मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे एक रो है जो पहले मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स के साथ. ये देखे ना 1, 2, 7, ये एक रो है जिसमें 3 एलिमेंट हैं. जब एक रो मल्टीप्लाई होती है, और ये क्या, कौन सी मल्टीप्लीकेशन है? प्री मल्टीप्लीकेशन. ये कौन सी मल्टीप्लीकेशन है? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन. ये प्री मल्टीप्लीकेशन है. अब जब 1, 2, 7 प्री मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? अब जरा इसको देख लीजिए गौर से. ये देखेंगे तो आपके पास बड़ा आराम से, ये देखें क्या हुआ है, पहली रो का पहला एलिमेंट पहली रो के साथ मल्टीप्लाई हो गया. 1 मल्टीप्लाई हुआ है इस पूरी रो के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ है इस दूसरी रो के साथ, 7 मल्टीप्लाई हुआ है तीसरी रो के साथ, और आपने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वो इसका इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया आपके पास. अब आपको समझ आ रही है ये बात? हेलो एवरीबॉडी विद मी? जी सर. जी, आपको समझ आया कि क्या फर्क था? उधर जी सर, उधर कॉलम्स ऐड हो रहे थे, इधर रोज ऐड हो रही हैं. देखें ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के दो तरीके हैं. अगर आप एक मैट्रिक्स को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए वो पहले वाला तरीका है, और अगर आप रो पहले ले आओगे और रो के बाद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो फिर तरीका और आ जाएगा. ये देख रहे हैं आप, ये दो डिफरेंट अंदाज हैं जो आपको मैंने दिखाए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के. You are getting my point? Hello? Hello? जी सर. जी, तो आपको ये दोनों, ये आप वीडियो में आपको आप देख सकते हैं कि इसको आप खुद भी YouTube में देख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप इसको जरूर देखिए. दो, ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रस्पेक्टिव हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के. ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स को इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे रोज को इस्तेमाल किया गया है. अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अपने जहन में रखिए और हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमें हेल्प करेगा रो ऑपरेशंस को डिफाइन करने में मैट्रिक्स की जबान में. ठीक है जी सर. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आप इसको दोबारा देखिएगा और यहां जरूर रुक के इन दोनों का फर्क देखिएगा. ठीक है, कि ये कैसे आया है. एनीवे, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम एक काम करते हैं और मैं वो आपको एक मिनट में दिखाऊं. अब जरा इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, आप जरा गौर से देखिए. यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4, 1. क्या आप देख रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, हेलो. जी सर. ये मैट्रिक्स देख रहे हैं आप? इसको देखें पहले, जिधर मैं एरो मूव करा रहा हूँ. 1, 2, 1. जी. हेलो. जी. हेलो सर, आप कुछ प्रॉब्लम आप रफ कॉपी पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो पे हमें ना दूर से सही तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप अच्छा, कुछ रफ कॉपी पे करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, आप फिलहाल जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके साथ चलिए, फिर
हम इसको कॉपी पे भी हल कर लेंगे, लेकिन मैं इस वक्त चूंकि हल नहीं करना चाहता, मैं आपको एक किस्म के क्लूज दे रहा हूँ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर, ठीक है। आप उस वक्त ज्यादा सीखेंगे जब आप क्लूज के दरमियान मिसिंग पार्ट खुद से ऐड करेंगे। अगर मैं आपको सारा क्वेश्चन हल कर दूंगा तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। तो आई वॉन्ट टू गिव यू सम फूड और आई वॉन्ट टू हाइड अदर। मैं आपको सिंपल इस वक्त क्लूज दे रहा हूं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये सारे दे के आपको कहता हूं हाउ जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब आपने इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ ठीक है सर, आगे जाके रफ कॉपी करेंगे। हाँ तो अभी आप फिलहाल मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ ताकि आप टूल्स से आदी हो सको। अभी आप देखें कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 8 1 0 4 1। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये ऐसा हो जाए। ये देखे ना क्या हुआ है इसमें, इसमें मैं चाहता हूँ कि तीसरी रो को दूसरी रो से माइनस कर दिया जाए। ये देखे ना, सब्ट्रैक्ट 3 times रो 1 फ्रॉम रो 2। जी जी, जूम हो सकता है सर? जी जी, इससे ज्यादा मैं जूम, मैंने तो फुल स्क्रीन किया हुआ है ये है? आप जरा बस, मेरा ख्याल में कि आप ओके सर, कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप देखें इसमें ये है 1 2 1 3 8 1 0 4 1। ये वाला मैट्रिक्स जब इक्वल साइन के बाद यहाँ देखें तो 1 2 1, पहली रो को कुछ नहीं हुआ। ये देख रहे हैं, पहली रो को कुछ नहीं हुआ और लास्ट रो को भी कुछ नहीं हुआ। ये देख रहे हैं 1 2 1 यहाँ पे भी है, 1 2 1 यहाँ पे भी है, 0 4 1 यहाँ पे भी है, 0 4 1 यहाँ पे भी है, लेकिन समथिंग हैपेंड विद द सेकंड रो, 3 8 1 बन गई है 0 2 -2। इसका मतलब है कि इस पहली रो को कोई मल्टीपल के साथ करके तीसरी रो में ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये बन गया है 0 2 -2। अब बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? तो इसका मतलब है कि इसके साथ क्या किया गया है, पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद उसको इसमें ऐड कर दिया है। पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड करेंगे तो ये पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे साथ हैं? ये पहली रो को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके जब इस रो में ऐड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 0 2 -2। ओके okay? जी सर, जी जी, हेलो जी, -3 से सर करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को जीरो करना चाहता हूँ, ये जो 3 है ना, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, इसको जीरो करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक ऑपरेशन किया है कि पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है, तो ये जो 3 है ये उड़ गया है और ये जीरो हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर ये पिवट पोजीशन है और इसके नीचे सब जीरो होना चाहिए। तो मैं 3 को जीरो करने के लिए मैंने एक ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया? -3 times रो 1 + रो 2। एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, अगर मैं अब जो बात मैं आपको समझाने लगा हूं, गौर से सुनना। अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स इसके साथ नहीं लगाऊंगा, ये जो देखें ये 7 वाला, तो इधर मैं इक्वल का निशान नहीं लगा सकता। मैं यहां क्या लगाऊंगा? मैं वो टिल्डा का निशान लगाऊंगा जो शो करेगा कि ये इक्वेलेंट है। अब ये और ये इक्वेलेंट है, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करके ये ऐसा बन गया। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है ना कि पहली रो को -3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन बताने से तो इक्वल का निशान नहीं आ सकता ना। मैंने तो कुछ करना है मैथमेटिकली, तब ये इक्वल आएगा। अब आप देख रहे हैं गौर से, अगर मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लाना चाहता हूं तो मुझे एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लाना पड़ेगा सीन के अंदर, ताकि जब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर ये आ जाए। एवरीबॉडी विद मी? जी सर। तो अब जो ऑपरेशन है कि -3 R1 + R2, अब जरा इस ऑपरेशन को गौर से देखिएगा। और ये मैं अभी देखें ना आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या ऑपरेशन है, -3 times R1 + R2। ये आप ऑपरेशन देख रहे हैं जो मैंने लिखा है, -3 times R1 + R2। इस ऑपरेशन को मैं अब मैट्रिक्स की जबान दे दूंगा।
अब वो देखना मैं कैसे जबान देता हूं। ये जो ऑपरेशन है इसकी वजह से ये सेकेंड रो डिस्टर्ब हुई, तो मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें पहली रो को मैं कुछ नहीं कह रहा, इसलिए पहली रो क्या होगी, 1 0 0। अब आपने मुझे बताना है कि मैंने 1 0 0 क्यों किया है। आपको याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिखाई थी कि अगर कोई चीज प्री मल्टीप्लाई होती है तो वो सिर्फ रोज को डिस्टर्ब करती है, तो इस 1 0 0 की वजह से क्या होगा, पहली रो के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी रो के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीसरी रो के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहली रो को कुछ नहीं होगा, ये 1 0 0 करने से इस मैट्रिक्स की पहली रो वैसी की वैसी बाहर आ जाएगी। अब आपको समझ आ गई? जी सर। अब मैं तीसरी रो को भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि तीसरी रो में पहले से 0 आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 0 0 1। जैसे मैं 0 0 1 लगाऊंगा, ये जो तीसरी रो है ये जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा, पहली रो के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी रो के साथ ये वाला 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तीसरी रो के साथ ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1। आपको समझ आ रहा है आप? जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी, 0 4 1 आ जाएगा। अब जो चेंज आएगी वो बीच में आएगी, ये इस रो में आएगी। इस रो में क्या डालूंगा, मैंने ये ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -3 लिखूंगा, इसके साथ मैं +1 लिखूंगा और यहां पे 0 कर दूंगा। अब ये देखना, अब ये देखिए ये क्या हुआ है, ये देखा आपने, -3 1 0। जैसे ही ये चीज मैंने यहां डाली तो इसने क्या किया, इसने इस मैट्रिक्स के साथ ये किया कि पहली रो को, ये देखे ना -3 क्या होगा, पहली रो के साथ ये पूरा -3 मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ ऐड होके जो ऐड होंगी तो ये चीज पैदा हो जाएगी, 0 2 -2। एग्जैक्टली वही चीज हुई है जो मैंने आपको बताई हुई थी। हम ये पहले जबानी करते थे, मतलब सिर्फ बोलते थे, और आज मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपने ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को मैट्रिक्स की जबान कैसे देनी है। अब ये दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे तो ये जवाब आएगा। अब मैं इक्वल लिख सकता हूं बीच में। आपको समझ आई बात? ये वाला 1 0, ये वाला 1 0। हाँ ये नहीं, अब आपने, आपको पता है ना कि जब कोई चीज प्री मल्टीप्लाई होती है तो वो रोज को छेड़ती है, ये समझ आ गई आपको? बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो रो होगी, ये जो रो होगी ये सिर्फ इस रो को डिस्टर्ब करेगी। ये देखिए मैं एरो, ये जो रो है ये जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये जवाब में सिर्फ इस रो को पैदा करेगी। ये समझ आ गई आपको? ये समझ आइए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता हो, अगर सेकेंड रो है तो वो सेकेंड रो क्रिएट करेगी, थर्ड रो है तो थर्ड रो क्रिएट करेगी। अब ये सेकेंड रो को देखना जरा गौर से, -3 times ये रो, +1 time ये रो और 0 time ये रो, ये जब तीनों ऐड करोगे तो जवाब क्या आएगा, 0 2 -2। समझ आ रही है आपको? दोबारा बताएंगे, ये -3 पहली रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब -3 पहली रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा -3, यहां पे आ जाएगा -6, यहां पे आ जाएगा -3। ये वाला फिर ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यहां 1 times 3 8 1, आखिरी रो है 0 तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये -3 times पहली रो +1 time सेकेंड रो, ये जब ऐड होंगे तो जवाब ये आ जाएगा, 0 2 -2। अच्छा, आपको समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि जो हम गॉसियन एलिमिनेशन में रो ऑपरेशन कर रहे थे वो रो ऑपरेशन मैट्रिक्स की जबान में लिखे जा सकते हैं, ठीक है?
तो कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बादर हो रहे हैं कि यार मैंने इक्वल का निशान लिखना है, तो फिर आपको ये वाले मैट्रिक्स जो है लिखने पड़ेंगे साथ। अब क्या मैंने आंसर कर दिया उस भाईजान को जो पूछ रहा था कि क्यों इक्वल का निशान नहीं है और क्यों टिल्डा का निशान है? अगर आप इक्वल चाहते हो तो फिर आपको ये वाले मैट्रिक्स जो है वो लाने पड़ेंगे सीन के अंदर। बात समझ में आई आपको? एवरीबॉडी विद मी? अच्छा, अब जरा आगे आगे चलते हैं। और अच्छा, ये जो मैंने अभी ऑपरेशन किया है, इसको एक मैट्रिक्स की जबान में हम कहते हैं ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। 2-1 का मतलब है कि सेकंड रो पे आपने ऑपरेशन किया है और फर्स्ट रो को इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको लिखते हैं E21। ठीक है, तो इसी तरह आप जब अगला स्टेप करेंगे तो वो E31 बन जाएगा। अब ये 32 बन गया, इसका मतलब है कि सेकंड रो को इस्तेमाल करके थर्ड रो को चेंज किया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन आपने पहले किया था E21 वाला, वो पहले लिखा जाएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। E21 पहले आएगा, E32 बाद में आएगा, तो ऑर्डर जरूर देखिएगा। अब देखेंगे कि आखिर में क्या हुआ। अब मैं आपको इसका एंड बता, एंड में देखें क्या हुआ है। ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, इसके ऊपर पहले E21 अप्लाई हुआ और उसके बाद E32 अप्लाई हुआ, तो जब ये सारे ऑपरेशन हुए तो क्या बन गया, ए कन्वर्ट होके यू बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं बीच में इक्वल का निशान लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने ये दो मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। यू गॉट माय पॉइंट? आप लोगों को समझ आई? अच्छा, मतलब है कि ये अपर ट्रायंगुलर नीचे वैल्यू उनकी जीरो हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, अभी मैं ये बात कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इक्वल का निशान लगाना है तो आपने ये दो लोग लिखने हैं। अगर आप ये दो लोग नहीं लिखेंगे तो फिर ए और यू के दरमियान इक्वल नहीं आएगा, इक्विवेलेंट का निशान आएगा। ए जो है, ए एक मैट्रिक्स है, यू एक मैट्रिक्स है, स्पेशल किस्म का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, नंबर चेंज हो चुके हैं यू के अंदर, वो ए जैसा नहीं है। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से उस वक्त इक्वल होता है जब उसके नंबर और उसकी पोजीशंस एक जैसी हो। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हमने तो उसमें काफी सारे जीरो लेके आ गए हैं, इतने जीरो तो ए में मौजूद नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर आप हर ऑपरेशन को मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे और उनको याद रखेंगे तो फिर ये होगा कि आप इक्वल का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ई 21 और E32 बना लिया। अगर आप ये E21 और E32 रखेंगे सीन के अंदर तब तो आप ये कर सकते हैं, अगर इनको नहीं लिखेंगे तो इक्वल का निशान नहीं आएगा। यू गॉट माय पॉइंट राइट नाउ एवरीबॉडी? जी सर। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अभी आप फॉर एग्जांपल आपने तो अभी आपका इक्वल का निशान जो है वो नहीं आ सकता। जैसे ये इक्वल नहीं है, ये ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ए यू नहीं है भाई, यू तब्दील हो चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तब्दीली आए। इसलिए चाहते हैं कि तब्दीली आए क्योंकि यू का जो सोल्यूशन है वो ए के सोल्यूशन के बराबर है और यू बहुत ज्यादा आसान है सॉल्व करना एज कंपेयर टू ए के। आप जहन में बिठाइए कि मकसद हमारा ए को सॉल्व करना था, हम यू तक पहुंच गए, लेकिन हम क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि यू इज अ लॉट इजियर टू सॉल्व एज कंपेयर टू ए। यू गॉट माय पॉइंट? जी सर। जी, तो अभी ए यू के बराबर आ गया है और काफी हद तक जिंदगी आसान हो गई है हमारी। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गए हैं। अब इसको जरा गौर से देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है, और वो मैं आपको एक जो चीज है, अच्छा अब जरा आप गौर से देखिए, गौर से देखिए, मैं कर क्या रहा हूँ, 9 मिनट रह गए, इसलिए जरा गौर से देखिए। मेरे ये जो लोग हैं E32
ई टू वन, इन लोगों को मैं इस साइड पे लाना चाहता हूं इक्वल के इस साइड पे। जब मैं इन दोनों लोगों को इक्वल के इस साइड पे लेके आऊंगा तो क्या होगा कि इनका मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं इनका इनवर्स लूंगा तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर आप थोड़े स्मार्ट हो जाएं तो आप ऑटोमेटिकली इनवर्स मालूम कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर दूं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है। और एनोटेट, इरेज, मैं ये जरा इरेज कर दूं ये चीजें जो मैंने की हुई हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज अप कर देता हूं। अब जरा गौर से देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 0 0 -3 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स मालूम करना चाहता हूं। एवरीबॉडी विद मी, आप लोग मेरे साथ हो। ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 -3 1 0 0 0 1, मैं इसका इनवर्स मालूम करना चाहता हूं। अब आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं ए इनवर्स मालूम कर लेता हूं और उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यही ये प्रॉपर्टी है ना, इनवर्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इनवर्स को उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना एवरीबॉडी, ठीक है। तो हमें अब ये पता चल गया है कि हमने इक्वल के बाद क्या लेके आना है, इसके साथ कोई ऐसे ऑपरेशन करने हैं कि ये इधर 100 आ जाए, 010 आ जाए। ये देख रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा यहां देखिए, अब बड़ा क्लियर है। यहाँ पे देखे ना, मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में तब्दील करना चाहता हूं, ये मैट्रिक्स है ना, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स ये बन जाएगा तो यहां जो चीज आएगी वो क्या होगी, ए इनवर्स होगी। ये जो चीज है ये ए इनवर्स होगी ना, क्योंकि ए इनवर्स ही वो वाहिद मैट्रिक्स है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी बनाएगा। एवरीबॉडी अब मैं इसको देखें क्या हो रहा है, इधर भी 100 है, इक्वल के बाद इधर भी 100 है। इसका मतलब है कि पहली रो को मैंने नहीं छेड़ना, पहली रो को मैंने नहीं छेड़ना। अब जरा आखिर में आइए, 001 यहां पे भी है यहां। इसका मतलब है कि मैंने पहली रो को और लास्ट रो को नहीं छेड़ना। अगर मैंने पहली रो और लास्ट रो को नहीं छेड़ना तो मुझे क्या करना है, यहां पे क्या करना है, पहली रो को नहीं छेड़ना तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 100 लगाऊंगा, और लास्ट रो को भी नहीं छेड़ना तो यहां 001 लगाऊंगा। ये देखिएगा, ये मैंने इसको भी 100 किया, इसको भी 001 किया, इसलिए किया क्योंकि मैंने इन दो को नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना है क्योंकि इसको मैंने बनाना है 010 बनाने के लिए मुझे इसको जीरो करना है, इसको कुछ नहीं कहना और यहां जीरो लाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 310। जब मैं ये चीज करूंगा तो ये वाली जो रो है ये इस सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके इस रो को क्या बना देगी, 010। जैसे ये आ गया, इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और इसको कन्वर्ट करने में जो ऑपरेशन मैंने यहां मैट्रिक्स की जबान में लिखे हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट हो गए हैं ए इनवर्स में। एवरीबॉडी विद मी? यस सर, यस सर। ये बड़ा गहरा कंसेप्ट है और ये आपने डाइजेस्ट करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं इसको दोबारा सुन लो। मैंने एक मैट्रिक्स था, किसी ने मुझे दिया और कहा कि भाईजान इसका ए इनवर्स मालूम करो। अब मैं चूंकि वो मैट्रिक में एफएससी में आदी हूं कि मैंने डिटरमिनेंट के थ्रू करना है, तो मैं लंबे रास्ते पे चल पड़ा। तो एक मेरे साथ बैठा हुआ एक और दोस्त था जो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, डिटरमिनेंट के थ्रू कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें आसान तरीका बता देता हूं। ये देख लो कि पहली रो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली रो जैसी है, तीसरी रो भी ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी है, सिर्फ इस रो को चेंज करना है ना, तो इसको चेंज कर दो, ऐसे नंबर लाओ कि जो इसको
0 1 0 में कन्वर्ट कर दें, वो नंबर है 310 बस। और सीधा होते ही दो मिनटों में उसने आंसर फेंक दिया, ए इनवर्स लिख दिया। और मैं जो बेवकूफ था मैं लंबे रास्ते पे चल पड़ा, आधे घंटे बाद हांफता कांपता हुआ वहां पहुंचा और मैंने कहा हाँ सर मैंने भी मालूम कर लिया, मेरी सांस भी ऊंची हो चुकी है। और जब मैंने बताया तो पता चला कि उस वक्त कोई भी नहीं था क्लास में, सारे जा चुके थे क्लास में, क्योंकि लोगों ने तो दो मिनट में सॉल्व कर लिया था और मैं बेवकूफ गाड़ी लेके लंबे रूट पे निकल गया। जिस तरह वो दो दोस्त थे ना, और एक दोनों एक बत्ती के पीछे भागे, एक ट्रक की बत्ती के पीछे भाग गया, एक लैंप की वो जो पोल होता है बिजली वाले उसकी बत्ती, दोस्त ने हाथ लगा के वापस आ गया, दूसरा 3 दिन बाद वापस आया। तो एक ही चीज को सॉल्व करने के बाजों का शॉर्ट और लॉन्ग रास्ते होते हैं। तो जो हम इस लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर स्मार्टनेस आ जाए। तो ये एक स्मार्ट वे है जिसके जरिए आप एक 3x3 या 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स का इनवर्स ले सकते हो। बाय द वे मैं बार बार क्यों 2x2, 3x3 और 4x4 कह रहा हूँ, इसलिए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ए इनवर्स होता है, बाकी मैट्रिक्स का तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपके पास कोई लॉन्ग मैट्रिक्स है 2x4 या 11x3, इनका तो मैट्रिक्स ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कंप्यूट करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, सो आपको ये समझ आया ये जो इनवर्स मालूम करने का तरीका था, शॉर्टकट का तरीका है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा, और फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आज आपको गॉसियन एलिमिनेशन, रो ऑपरेशंस और ये करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, और ये भी प्रैक्टिस हो गई होगी कि ये ऑपरेशन हम मैट्रिक्स की जबान में कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। और आखिर में मैंने थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बना के दिखाई कि इनवर्स आप एक ट्रिक के जरिए कितना जल्दी इनवर्स मालूम कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर जी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी 2 मिनट रह गए हैं, इसके बाद ये वीडियो हम क्लोज कर देंगे। जी जी, एनी क्वेश्चन? लेकिन कम से कम आपको क्लैरिटी तो आ गई ना कि ये काम हम कर सकेंगे। हाँ, मतलब आज देखे ना हमने 3 लेसन पढ़े, गॉसियन एलिमिनेशन हमने, दूसरा ये पढ़ा कि गॉसियन एलिमिनेशन में इक्वल का निशान कैसे लेके आना है, क्योंकि ये वो चीज थी जो हमें एफएससी में नहीं पढ़ाई गई थी। यहाँ हम चूंकि एडवांस लेवल पे हैं तो हम इसमें गौर कर रहे हैं कि इक्वल का निशान कैसे आता है। फिर हमने आज हमने ये भी पढ़ा कि हम इनवर्स कैसे, सिर्फ देख के हमें पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, हमें लंबे रूट पे जाने की जरूरत नहीं है, हम देख के किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सो ऑल दिस इज जी। मुर्तजा साहब प्लीज पूछिए क्वेश्चन। जी जी, हेलो मुर्तजा, हेलो। जी 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 सर, लग गया था सर, कंटिन्यू रखे सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो आज आपको मैंने 3 वीडियोस दिखाई हैं, और काइंडली आप इन वीडियोस को अपने YouTube पे आराम से देखें। हाँ, और इसको जी शाहजेब जी फरमाइए। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो प्रेजेंट है आपकी अटेंडेंस, ये यहीं पे ही लगेगी या आपको वहीं पे क्लासरूम में जो है ना मैसेज करके करने पड़े? बेहतर है आप में से कोई एक, क्योंकि आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप देख लो ये 11 लोग मेरे पास पार्टिसिपेंट में आ रहे हैं, इनके नाम नोट करके मुझे भेज दो। सर हमने कमेंट में लिखा है प्रेजेंट। अच्छा चलो सही है सर, ठीक है, या अभी आप शाहजेब आप ये 11 लोगों के नाम लिख के मुझे भेज दो। ठीक है सही है, तो आई होप ये आपको लेसन समझ आ रहे हैं, और मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज इसमें नहीं समझ आई तो जरूर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास। यूट्यूब के अंदर भी मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह कुछ इंटरनेशनल लोग भी इसमें आ रहे हैं, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स पेरिस से भी आए हैं, कुछ कहीं और से भी, तो आई फील कि अब ये एक इंटरनेशनल क्लास बनती जा रही है, एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट और फायदा उठा रहे हैं। तो आप